अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक रफ़ी ख़ान है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, यहीं लाहौर में बेस्ड हूँ। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में के साथ अटैच्ड हूँ, सुबह के वक्त वहाँ पे होता हूँ, इवनिंग में मेरा क्लिनिक है जो जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के पास है, फैसल टाउन में। 1981 की मेरी ग्रेजुएशन है, जहाँ लाहौर से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने किया। फिर उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहाँ जाके मैंने ग्रेजुएशन पेडियाट्रिक्स में रेजिडेंसी की, उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज में फेलोशिप की है। बच्चों की बेशुमार बीमारियां होती हैं और नेचुरली बच्चे बड़ों से देख मुख्तलिफ होते हैं, उनकी बीमारियां भी मुख्तलिफ हैं, उनका इलाज भी मुख्तलिफ है, उनकी देखभाल भी मुख्तलिफ होती है, तो उसी हिसाब से हमें उनको बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन मैं दो चीज़ बेशुमार बीमारी में दो चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहूँगा। एक तो मैं मदर फील्ड की इंपॉर्टेंस के ऊपर, जो कि आजकल पाकिस्तान में हमारी माएँ बहुत कम फील करा रही हैं, बल्कि ये उल्टा साहब हो गया। पाकिस्तान में माएँ फीड नहीं कराती, अमेरिका में जब जाता हूँ वहाँ की मदर इंसिस्ट करती हैं कि मैंने मदर फीड करानी है। मैं अपनी यंग मदर्स को इनक्रेज करना चाहता हूँ कि वो बच्चों के लिए अपनी फीड कराने की कोशिश करें। मदर फीड के कई फ़ायदे हैं। बच्चे जो हैं जब माँ का दूध पीते हैं तो फ़ौरन का वज़न बढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत मोटे नहीं होते लेकिन वो बच्चे हेल्दी होते हैं, कमज़ोर भी नहीं होते। उनका कद भी बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। पहले 6 महीने तक बच्चे आमतौर पर बीमारियों से महफूज रहते हैं और पहले 2 सालों में आम बच्चों के नस्बत बीमारियों से तकरीबन समझें 1/4 से महफूज रहते हैं। उनका जो मजबूत दिफा है जो मांग के दूध की वजह से उनको मिलता है, उनको बेशुमार बीमारियों से बचाता है। ये बच्चे मेरे हिसाब से कम ज़िद्दी होते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये बच्चे मोटे नहीं होते लेकिन ये फिर सारी उम्र भी मोटापे का शिकार नहीं होते, हेल्दी और स्मार्ट रहते हैं और दिल और दिमाग की बीमारी से निस्बतन महफूज रहते हैं। उम्दा दिफाई निज़ाम जो उनको 1-2 ईयर्स में मदर के दूध से मिलता है, उसके बाद बहुत कम बीमार भी होते हैं। चुस्त तो चाको चुबंद होते हैं, नशोनुमा के संगम भी बड़ी तेज़ी से बूर करते हैं और उनका औसतन जो एवरेज IQ जो होते हैं वो आम बच्चों से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरी माँ से ये एक एडवाइस है कि प्लीज़ कोशिश करें, मेहनत करें कि अपने बच्चों को अपना दूध ज़रूर मिले। दूसरा जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो वैक्सीनेशंस है। वैक्सीनेशंस के बारे में मैंने यहाँ कोई पब्लिक इतनी ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आई मुझे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि जी वैक्सीनेशन ज़रूरी है कि नहीं है। गवर्नमेंट का सेटअप अपनी विद वीक और मीकर किस्म के रिसोर्सेज के साथ जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट तक इंजेक्शन लगा देती है तो समझते हैं कि वो दैट इज़ मोर देन एनफ, दैट इज़ नॉट एनफ। बच्चों को वैक्सीनेशन चलती रहती हैं जब तक के बच्चे 4-5 साल की एज तक नहीं चले जाते, स्कूल गोइंग एज तक ना चले जाए। तो इसलिए मेरा उन सब पेरेंट्स को यही मशवरा है कि आप जो गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन है वो तो ज़रूर करवाएं। 9 महीने तक गवर्नमेंट लगाती है, ज़रूर लगाएं। फिर 1 ईयर ऑनवर्ड्स जो प्राइवेट सेटअप में वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे नहीं लगा सकते, वो भी ज़रूर लगवाएँ। जो भी अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं दे शुड मेक एन एफर्ट वो वैक्सीनेशन लगवाएँ। अगर आपको उन वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता तो यू शुड कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन हैं, उनका स्केड्यूल क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिविजुअल वैक्सीनेशन के बारे में बात की जा सकती है। तो आई वुड इनकरेज पेरेंट्स टू लुक एट दिस। आज का तो गूगल पे जितनी जगहों पर हर तरह की अवेयरनेस अवेलेबल है, मेक श्योर कि आपको पता हो कि कौन सी वैक्सीनेशन बच्चों की हैं और कौन सी हमने मिसिंग हैं और उसको लगवानी है। अगर वो एज उनकी गुजर भी जाए, उस टाइम बाहर भी हो जाए, स्टिल बी सम वैक्सीनेशन कैन बी गिवन। तो ये ना समझें कि बच्चा बड़ा हो गया अब इसको नहीं वैक्सीनेशन लग सकती, वैक्सीनेशन लगवानी उनको भी लग सकती हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे से आप लगवा सकते हैं। तो इसलिए आई वुड एनकरेज पेरेंट्स कि मेक एन एफर्ट कि आप बच्चों को 5 साल तक स्कूल गोइंग एज तक वैक्सीनेशन सारी लगवाएं। बच्चे अब कहाँ स्कूल में जाते हैं जब बड़े होते हैं, सारा दिन तो पेरेंट्स साथ नहीं होते। ये हिफाजती टीके हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम लॉट ऑफ दोज जो पाकिस्तान में ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन के बारे में भी उतना ही जो है तवज्जो दें जितनी आप बच्चे की बीमारी की बात डॉक्टर के साथ मशवरा करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो बात की जा सकती हैं लेकिन दिस वर टू
करंट टॉपिक या थॉट के आपके मैं नोटिस में ले आऊँ. बाकी आई एम अवेलेबल एट माय प्लेसेस बोथ एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड माय क्लिनिक. अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मरहम के थ्रू यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड थ्रू माय ऑफिसेस और फिर वी कैन डिस्कस मोर डिटेल्स एंड प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन दैट यू हैव.